सांवली के कोविड केयर सेंटर में जिस तरह से सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर जिले से भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में यहां पर भर्ती मरीजों की संख्या बहुत बड़ी होगी। जिस तरह से सीकर जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण फैल रहा है, लोगों को वायरस अपनी जद में ले रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में यहां पर कोविड के मरीजों के लिए वर्तमान समय में की गई व्यवस्थाओं से 2 से 3 गुना ज्यादा व्यवस्थाएं करनी होगी, जिसमें सबसे पहले बेड की उपलब्धता, आईसीयू बेड बढ़ाने, ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड के मरीजों के परिजनों के लिए रुकने, उनके लिए छाया, पानी, अग्निशमन यंत्र सुविधाएं, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता हो, इसे लेकर एक आपात बैठक की गई। बैठक में विधायक राजेंद्र पारिक, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष महेश शर्मा, सभापति जीवन खां, पूर्व यूआईटी चेयरमैन हरिराम रणवा, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप, एडीएम तारा सिंह मीणा, सिमेचर डॉक्टर अजय चौधरी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा, प्रशासनिक सुधार विभाग के राकेश लाटा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए जो हमसे बन पड़ रहा है, जिस चीज की भी जरूरत महसूस हो रही है, उसे पूरा किया जा रहा है, इलाज और व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। कलेक्टर साहब ने आज अपने सारे अधिकारियों के साथ, पुलिस से एसपी को सबको अपने साथ लेकर भी बैठे हैं, विशेष रूप से इस बात पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई हमको कोविड सेंटर में अच्छी से अच्छी सुविधा हम कैसे डेवलप करें, और हर एक इश्यू पे इस पर चर्चा हुई है ताकि आने वाले वक्त में किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ नहीं। पौड़ी में हम जो बेड बढ़ाएंगे, पौड़ी में जो भी ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है उसको हम दूर करेंगे। कुछ दानदाताओं ने जो है वो बेड दिए सावली कोविड सेंटर के लिए अलग से, तो दानदाताओं ने अपना ये सैनिटाइजर किया है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर, और हम जनप्रतिनिधि में हूँ, आदरणीय रणवा साहब भी हैं, मेरे जी शर्मा साहब को ये भी पता है, चेयरमैन साहब भी है, हम सब लोग चाहते हैं कि ये समस्या ऐसी है जिसका समाधान हम सब एक साथ मिलकर करते हैं। दानदाता भी आ गया रहे हैं, ये पवन जी अग्रवाल है जिन्होंने बेडशीट दिए, 300 बेडशीट दिए, पिलो कवर दिए, और खुले मन से लोग कह रहे हैं कि भाई जो भी रिक्वायरमेंट हो हम पूरी करेंगे, एटलीस्ट सीकर के लोगों को किसी तरह की व्यवस्था करनी नहीं है। और सीकर जो है वो खासतौर से आसपास के जो जिले हैं नागौर, चूरू, वहाँ से काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। सावली कोविड सेंटर को हम जो है एक्सीलेंस ऑफ कोविड सेंटर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह प्रयत्न करिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल एक वो अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैंक्शन किया है, कोशिश लगे हैं, ये समन्वित प्रयास प्रशासनिक स्तर पर और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर प्रशासनिक प्रयास है, किसी तरह की व्यवस्था हम सीकर की जनता को नहीं होने देंगे, ऐसा सब मिलकर आ सकते हैं। तो जिस तरह से जिले में भी पेशेंट बढ़ रहे हैं और झुंझुनू, चूरू, नागौर के पेशेंट भी अपने आ रहे हैं, सीकर में आसपास के जिलों से भी आ रहे हैं, हाँ, और हम भाग्यशाली हैं कि हम आपस में हमारा जो कोऑर्डिनेशन है जनप्रतिनिधियों का और प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह से कोऑर्डिनेशन है ये बहुत खूबसूरती है, इसी का परिणाम जो है वो सुखद होगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, सीकर की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहें, बस प्रोटोकॉल का पालन करें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, सरकारी जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह पालन करें, आप भी सुरक्षित रहें और औरों को भी जो है सुरक्षित रहने में मदद करें, मास्क लगाएं, घर से बाहर नहीं निकलें। ये कुछ दिनों की बात है, हमको इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता इस बात की है हम जागरूक रह करके इससे बचें, और सरकार और जनप्रतिनिधि जो है हम जागरूक हैं और आपके सामने सेवक बनकर के खड़े हैं, आपको परेशानी नहीं आने देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दूंगा। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा ने कहा कि जिले में यकीनन कोविड का संक्रमण लगातार फैल रहा है, इसे लेकर जागरूक लोग चिंतित भी हैं। आज जिला प्रशासन से कोविड के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है, संसाधनों, ऑक्सीजन व्यवस्था आदि को लेकर सुचारू रखने के बारे में भी बात हुई, सभी मिलकर कोरोना से लड़ेंगे। को लेकर सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण ने मिलकर इसका प्रभावी प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा की है। मैं समझता हूँ हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है, इस जिले की स्थिति जिस प्रकार पूरे प्रदेश में 5वें स्थान पर आ रही है,
इस स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं, इसको लेकर जिले का प्रत्येक वह जागरूक व्यक्ति, भले ही वो मीडिया के लोग हो, भले ही वो जनप्रतिनिधिगण हो, भले ही वो राजनीतिक दलों के लोग हो, भले ही प्रशासनिक अधिकारी हो, हर कोई इस बात को लेकर चिंतित है। मैं समझता हूँ सब मिलकर प्रभावी रूप से प्रबंधन करने की कोशिश करेंगे, प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। निश्चित रूप से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की जिस प्रकार की कमी है, मैं कहूंगा सीकर है राजस्थान के बहुत अग्रणी जिलों में शामिल होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन प्लांट की बात करते हैं तो झुंझुनू जिले में ऑक्सीजन प्लांट अवेलेबल है, सीकर में कोई ऑक्सीजन प्लांट अवेलेबल नहीं होता, सीकर के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं समझता हूँ बहुत जिम्मेदार लोग इस दिशा में भी काम करेंगे और ऑक्सीजन प्लांट सीकर को जल्दी मिल जाए, इसके लिए प्रयास किया जाए। वहीं सभापति जीवन खान ने कहा कि नगर परिषद अपनी ओर से पूरी व्यवस्था देख रही है, कोविड केयर सेंटर में सावली में जो भी कोई उन्हें या परिषद को जिम्मेदारी मिलती है उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सभी इसके लिए मैं नगर परिषद की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही करने के लिए तैयार है, हमारे सभी पार्षद और सब कंधे से कंधा मिला करके प्रशासन के साथ हैं, और मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि टीम वर्क के रूप में जो काम हो रहा है इसी का ही परिणाम है कि आज तक ऑक्सीजन की कमी से हमारे यहाँ की कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई और आगे भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी कि कैजुअलिटी हो। मैं आपके माध्यम से तमाम शहर के और तमाम जिले के से अपील करना चाहूँगी, आप कोरोना गाइडलाइन की पालना करें, सर अनावश्यक रूप से नहीं निकलें, सैनिटाइज का प्रयोग है, मास्क लगाएं, और हम प्रतिनिधि जितने भी हैं इसमें कोई पार्टी में से जुड़ी हम साथ पूरी शहर की जनता पूरे जिले के साथ हम गंदे उनके टूट में बने, किसी भी प्रकार की असुविधा उनको नहीं होने देंगे, ऐसा बात करना चाहिए। इसके लिए धन्यवाद। वहीं बैठक के बाद जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जिले में भर्ती मरीजों के लिए की जाने वाली सुविधाओं को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा सावली में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, इसके साथ ही यहां पर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर वार्ता की गई है, किसी भी मरीज को इलाज के अभाव में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निश्चित ही विकट समय है, लेकिन सभी को धैर्य रखने की आवश्यकता है, सभी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करें। स्थिति पैदा हो रही है वो हमारे लिए इस समय बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने संसाधन और अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाते रहें। सावली में कल के दिन में ही जो है करीब 100 नए पेशेंट हमारे पास आ गए हैं, आसपास के जिलों से भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, चूरू से और नागौर से विशेष तौर पर, झुंझुनू से भी आ रहे हैं, और बल्कि और कई जिलों से क्वेरीज आनी चालू हो गई कि अगर सीकर में बेड खाली है तो यहाँ पर अपने पेशेंट को। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें अपनी कैपेसिटी को दुगना या ढाई गुना तक करना पड़ेगा बहुत जल्दी, उस बारे में हमने विस्तार में चर्चा की है। पॉजिटिविटी रेट भी अभी सीकर में लगातार बढ़ रहा है और केसेस भी बढ़ रहे हैं, और सीकर के भी पेशेंट्स के भी और अन्य कोई भी पेशेंट जो यहाँ पर आएंगे हम उनको जो है हमें मना नहीं कर सकते, उनको हमें यहाँ पर लेना ही पड़ेगा, इसलिए हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें, पूरे स्टेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू बना हुआ है, तो माननीय मंत्री जी बुरदासरा जी के प्रयासों से हमको कल लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर यहाँ पे मिल गया है, जिससे कि हमें कम से कम आने वाले 1.5 दिन का एक सिक्योरिटी हो गया है कि हम अगले दिन शाम तक हम लोग सिक्योर रहेंगे, और उसके उस दौरान हम लोग आगे की व्यवस्था के बारे में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उनके प्रयासों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही अभी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है कि हम लोग सावली में ही अपना और बेड्स कैसे तैयार किए जाएं ऑक्सीजन के, और संसाधन जो है जैसे ऑक्सीजन रेगुलेटर हैं और अन्य चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत की ज़रूरत पड़ने की संभावना है वो अपन कितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। हमने ऑर्डर भी प्लेस किया हुआ है लेकिन सप्लाई में भी थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से सभी जगह से डिमांड है, तो इसलिए थोड़ा हमको उनको
परस्यू करना पड़ रहा है कि जल्दी से जल्दी इनको मिले। इस दौरान हमने वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने का हमारा हमेशा से जो है थोड़ी सी एडवांस में प्लानिंग हम लोग करते रहते हैं, तो इसलिए हमने यही सोचा है कि जो कम सीरियस पेशेंट होंगे कैसे उनको जो है मैनेज करके, और यदि वो ऑक्सीजन स्टेबल आ जाती है तो उनको डिस्चार्ज करके घर पर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जहाँ लक्षणात्मक पेशेंट्स हैं और जहाँ पे आईएलआई सिम्टम्स वाले पेशेंट्स पाए जाते हैं, जो हमारा डोर टू डोर सर्वे चल रहा है, उसके लिए हमने दवाई की किट्स तैयार करवाई हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में चूँकि सबसे अधिक संक्रमण है सीकर शहर में, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई ब्लॉक्स हैं जहाँ पर रोज़ काफ़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पर डोर टू डोर सर्वे की टीम अब केवल लक्षण की जाँच नहीं करेगी बल्कि साथ के साथ उनको एक दवाई की किट भी देगी, जिसमें कि एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और विटामिन बी, विटामिन सी, इस तरह के कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें होंगी।